अपने समय और कॉस्ट रिडक्शन के लिए इसरो एक नया लॉन्चिंग व्हीकल के ऊपर काम कर रहा है, SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये व्हीकल PSLV के तुलना में कम समय पर तैयार हो जाएगा लॉन्च के लिए। और सबसे बड़ी बात कि SSLV को डेवलप करने में जितना भी पार्ट्स चाहिए होगा उनमें से ज्यादातर भारत में ही स्वदेशी कंपनियां के द्वारा बनाया जाएगा। फिलहाल SSLV ऑपरेशन फेज में दाखिल होने के बाद इसके लॉन्च से लेकर हर चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड देखेगा, जो कि इसरो का एक कॉमर्शियल आर्म है। साधारण परिस्थिति में PSLV और GSLV को किसी लॉन्ग डिस्टेंस वाले मिशन में लॉन्च करना ही फायदेमंद रहता है, क्योंकि इनको लॉन्च के लिए तैयार करना और फिर लॉन्चिंग एरिया चूज करके फ्यूल का इस्तेमाल करना बहुत खर्च करवाता है। एक एक लॉन्च में करोड़ों रुपए खर्च होता है और उनको रेडी करने में 600 से करीब ऑफिशियल्स लग जाते हैं, लेकिन SSLV को लॉन्चिंग के लिए तैयार करने में एक हफ्ते से भी कम समय लगता है एवं 5 से 6 ऑफिशियल से ही काम चल जाता है। फिलहाल SSLV को डेवलप करने में 120 करोड़ का खर्च आएगा, साथ ही ये लॉन्च व्हीकल को बनाने में 30 से 35 करोड़ का खर्च आएगा। मतलब कम समय का उपयोग करके लॉन्चिंग के लिए तैयार, समय और डिमांड के हिसाब से SSLV का उपयोग, कम खर्च के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट को भेजने में सुविधा और कम जगह को यूटिलाइज करके इसरो का अपने डिजाइन और टेक्निक का ज्यादा उपयोग, हर साइड से ये फायदेमंद ही होने वाला है। पहले SSLV को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, बाद में SSLV के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है तमिलनाडु के कुलशेखरापट्टनम में। वहां से सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के सैटेलाइट्स के लिए SSLV को लॉन्च किया जाना है। इस समय ग्लोबल सैटेलाइट बिजनेस में ज्यादा संख्या में सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं, सब क्लाइंट्स कम समय में और कम खर्च में ज्यादा सैटेलाइट भेजना चाहते हैं। यही वो कारण है जब लो अर्थ ऑर्बिट में 600 किलोग्राम तक का सैटेलाइट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में 300 किलोग्राम तक का सैटेलाइट भेजने के लिए स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल जरूरत पड़ जाता है। यहाँ SSLV परफेक्ट काम कर पाएगा। SSLV में 3 स्टेज और सबसे ऊपर 4th स्टेज वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल रहेगा, जहाँ नैनो, माइक्रो और स्मॉल सैटेलाइट्स को रखा जाएगा। एकदम नीचे फिन्स बना रहेगा। 1st स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट वाला S84 मोटर रहेगा, 2nd स्टेज में S7 मोटर रहेगा और 3rd स्टेज में S4 मोटर रहेगा। तीनों मोटर सॉलिड प्रोपेलेंट होंगे, 4th स्टेज में लिक्विड प्रोपेलेंट होगा। सब मिला के SSLV का पूरा स्ट्रक्चर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके असेंबल किया जा सकता है, और वर्टिकली इसकी लंबाई 34 मीटर होगा, डायमीटर होगा 2 मीटर और लिफ्ट ऑफ मास होगा 120 टन। देखा जाए तो SSLV फ्यूचर में इसरो और भारत के लिए एक नया उम्मीद लाने वाला है, आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक नया कड़ी जुड़ने वाला है। धन्यवाद।